Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. बिलक बिलक कर रोते इस व्यक्ति को आज से एक महीने पहले तक हम में से कोई नहीं जानता था, लेकिन बीते 15 दिन में अशोक मौर्य और उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का नाम हर किसी की जुबान पर है, जिसके बाद से न्यूज रूम से लेकर हमारे और आपके ड्राइंग रूम्स तक इस कपल को लेकर डिस्कशन और डिबेट्स का दौर चल रहा है। और दौर भी ऐसा कि इस पूरे इंसिडेंट को लेकर मोरल साइंस के लेक्चर से लेकर शादी में जरूर आना और सूर्यवंशम जैसी हिंदी मूवी से जोड़कर मीम्स तक वायरल होने लगे हैं। यही नहीं, इस मुद्दे के लाइमलाइट में आने के बाद से ही रूमर्स और फेक न्यूज का भी बाजार गर्म है। फॉर एग्जाम्पल, कभी ये फेक न्यूज आती है कि योगी सरकार ने इस मामले में इंटरवीन करते हुए ज्योति मौर्य को सस्पेंड कर दिया है, तो कभी इस मिसलीडिंग आंकड़ों को सामने रखा जाता है कि इस इंसिडेंट से सबक लेते हुए एक्स वाई जी नंबर ऑफ हस्बैंड्स ने अपनी रिस्पेक्टिव वाइफ्स के एग्जाम प्रिपरेशन बंद करवा के उन्हें वापस घर बुला लिया है। जबकि सच तो ये है कि ऑनगोइंग लीगल प्रोसेस के बीच ना तो ज्योति मौर्य सस्पेंड हुई हैं और ना ही ऐसा कोई नंबर एस्टैब्लिश करने वाली वेरीफाइबल रिपोर्ट मौजूद है। हालांकि इस सब के पैरेलली अशोक और ज्योति दोनों के ही ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जहां अशोक अपनी पत्नी को बेवफा और घूसखोर बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ज्योति अपने पति पर धोखाधड़ी से लेकर दहेज प्रताड़न तक के आरोप लगा रही है। अब इनमें से कौन कितना सही है, ये तो जांच का विषय है। मगर इस सारे विवाद के बीच एक बात ऐसी है जो हर कोई मिस कर रहा है, और वो ये है कि हमारे देश का लीगल सिस्टम जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, उसमें कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जिनमें एक पुरुष और एक महिला के बीच कोई समानता नहीं है। अब आप इस पूरे इंसिडेंट का ही एक्शन रिप्ले करके देखिए। अशोक और ज्योति के बीच सही कोई भी हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, और वो ये कि जहां एक ओर अशोक मौर्य को अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट से लेकर इनफिडेलिटी तक की कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा और तब जाकर रिलेटेड ऑफिशियल से इस मुद्दे को रिक्वायर्ड अटेंशन मिल पाया, तो वहीं दूसरी ओर ज्योति के लिए अशोक के किसी भी एलिगेशन के खिलाफ बस डाउरी एक्ट लगाने की देर थी, जो अगर नॉर्मल कंडीशंस में लगाया गया होता तो अब तक तो सारा सरकारी अमला अशोक के पीछे पड़ गया होता। तो शुक्र है कि ऐसा कुछ होने के पहले अशोक मौर्य के ये रोते बिरखते वीडियोस वायरल हो गए। ऐसे में लंबे समय से प्रश्न उठाया जाता रहा है कि क्या वाकई इस देश में एक महिला और पुरुष को समान लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है, क्योंकि भारत में जेंडर न्यूट्रल लॉस को लाए जाने को लेकर हमारे देश में बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लंबे समय से मांग उठा रहे हैं। ऐसे में इस विषय की पड़ताल करना जरूरी हो जाता है कि आखिर इंडियन लीगल सिस्टम में पुरुषों की क्या स्थिति है। तो इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी और पेपर 2 के गवर्नेंस सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम आपको जसलीन कौर वर्सेस सर्वजीत सिंह के बारे में भी याद दिलाना चाहेंगे, जो एक समय पर सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था, जहां अगस्त 2015 में दिल्ली की जसलीन कौर ने सर्वजीत सिंह पर दिल्ली के ही एक ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें ईवटीज करने और सेक्सुअली हैरेस करने को लेकर एक फेसबुक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सर्वजीत सिंह की पिक भी पोस्ट की थी। इसके बाद ये पोस्ट ऐसी वायरल हुई कि पॉलिटिशियन से लेकर मीडिया, फिल्म्स और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज तक सबने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जसलीन कौर की काफी तारीफ की। लेकिन उसके बाद जब इस केस में सर्वजीत सिंह के खिलाफ फॉर्मल लीगल प्रोसेस शुरू हुई, तो जसलीन कौर 3 साल तक कोर्ट की किसी भी हियरिंग में अपीयर हुई ही नहीं, और जब फाइनली 2019 में अपीयर हुई तो उनका एक्सक्यूज था कि वो पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई थी, जिस वजह से वो लीगल प्रोसेस में अपना इनपुट नहीं दे पाई। जबकि उसके उलट एक सोशल मीडिया पोस्ट से न केवल सर्वजीत सिंह की जॉब चली गई, बल्कि उन्हें मीडिया ट्रायल्स, पब्लिक शेमिंग और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज से भी गुजरना पड़ा, जिसमें 3.5 साल चले इस केस के दौरान ना उन्हें बिना पुलिस को सूचना दिए सिटी छोड़ने की इजाजत थी, और ऑनगोइंग लीगल और मीडिया ट्रायल्स के चलते जॉब से एजुकेशन ले पाने की अपॉर्चुनिटीज। फाइनली जब 2019 में इस केस का नतीजा आया, तो कोर्ट ने इस पूरे केस को ही बेबुनियाद मानते हुए खारिज कर दिया। यही नहीं, कोर्ट में एक आई विटनेस ने भी सर्वजीत सिंह के इनोसेंट होने और मिस कौर के बिना किसी प्रोवोकेशन के सर्वजीत सिंह को वर्बली अब्यूज करने की बात कही, जहां इसी वर्बल स्पैट के चलते जसलीन कौर की ओर से सर्वजीत सिंह के खिलाफ ये सोशल मीडिया पोस्ट और केस किया गया। इसके साथ ही ये प्रश्न भी उठने लगे कि क्या वाकई मिस कौर ने सोशल मीडिया फेम के लिए सर्वजीत सिंह पर ये केस फाइल किया था। ऐसे में 4 साल के लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद सर्वजीत सिंह को कोर्ट ने बाइज्जत बरी तो कर दिया,
मगर पब्लिक डोमेन में उनकी इज्जत पहले ही तार तार हो चुकी थी। साथ ही इस सब के बाद भी सरबजीत सिंह को कोर्ट से अधिकार नहीं मिला कि वो जसलीन कौर के विरुद्ध डिफेमेशन का केस कर सके। अब आप खुद सोच कर देखिए, जहां एक ओर एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से एक आदमी की जिंदगी तबाह हो गई, वहीं दूसरी ओर ऐसा करने पर फीमेल काउंटर पार्ट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ ये बात सही है कि इस केस में सोशल मीडिया और इल टेम्पर्ड मीडिया ट्रायल्स का एक बड़ा रोल था, मगर ये वो अकेला मौका नहीं था जब मेन के अगेंस्ट बायस लॉस को किसी पुरुष के अगेंस्ट गलत इंटेंशन से यूज किया गया हो। महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए ईव टीजिंग और हैरेसमेंट एक्ट्स को कई बार गलत तरीके से यूज किया जाता रहा है। भारत में डाउरी या दहेज जैसी कुरीति से लड़ने के लिए और एक मैरिड लड़की को हैरेसमेंट से सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए डाउरी एक्ट और आईपीसी के सेक्शन 498A को भी अक्सर हथियार की तरह यूज किया जाता रहा है, जहां हस्बैंड वाइफ के बीच या इन लॉस से आपसी झगड़े, वन साइडेड डिवोर्स की मांग या किसी भी अन्य कारण से डाउरी एक्ट के तहत हस्बैंड के साथ साथ पूरी फैमिली के अगेंस्ट केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। हालांकि इस तरह के केसेस में पहला मामला जिसने नेशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया का भी नाम अपनी ओर खींचा था, वो था 2003 का फेमस निशा शर्मा डाउरी केस, जिसमें निशा ने अपने प्रोस्पेक्टिव ग्रूम मनीष दलाल और उसकी विडोड मदर पर आईपीसी 498A के तहत शादी के तहत पहले डाउरी की डिमांड रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद निशा को देश विदेश में यूथ आइकन और वेमेन के लिए रोल मॉडल की तरह पोर्ट्रे किया गया। निशा ने एक साल बाद ही किसी और से शादी कर ली, जिसके बाद 2004 में ही उन्हें ओपरा विनफ्री के प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। तो वहीं दूसरी ओर मनीष दलाल को उसकी जॉब से निकाल दिया गया और वो 9 साल तक अदालतों के चक्कर काटता रहा। 2012 में जब इस केस का नतीजा आया तो मनीष के खिलाफ फाइल्ड इस केस को कोर्ट द्वारा क्वैश कर दिया गया। साथ ही पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि मनीष से पहले निशा की शादी नवनीत राय नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो मनीष और निशा की शादी के दिन वेन्यू पे आ धमका और मनीष को सारी सच्चाई बता दी। लेकिन इस पूरे विवाद को छुपाने के लिए ही निशा और उसकी फैमिली की ओर से ये केस फाइल किया गया। लेकिन ये वो अकेला केस नहीं है जहां डाउरी एक्ट का मिसयूज हुआ, क्योंकि ऑफिशियल डेटा के अनुसार डाउरी एक्ट देश का वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड लॉ है, जिसमें 10% फेक केसेस देखने को मिलते हैं। यहां तक कि लगातार बढ़ते फॉल्स डाउरी केसेस की वजह से लंबे समय से डाउरी एक्ट्स में संशोधन किए जाने की भी मांग की जाती रही है, जिसपे कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ गाइडलाइंस रिलीज की, जिसके बाद बिना एलिगेशंस को वेरीफाई किए हस्बैंड या उसकी फैमिली को अरेस्ट करने पर रिस्ट्रेन लगा दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि सेक्शन 498A को अक्सर हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर्स के साथ पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके कुछ समय पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बढ़ते फॉल्स एलिगेशंस को देखते हुए इस एक्ट के लिए ऐसी ही टिप्पणी की थी। वैसे अगर गौर से देखा जाए तो अशोक और ज्योति मौर्य के केस में भी एक ऐसा ही एंगल देखने को मिला, जहां उनके खिलाफ पति द्वारा कंप्लेन फाइल करते ही ज्योति की ओर से भी डाउरी एक्ट के तहत केस फाइल कर दिया गया। इसी तरह अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालें तो हमें ऐसे ढेरों केसेस देखने को मिलेंगे जहां फैमिली डिस्प्यूट्स, एक्सटॉर्शंस और बदली की भावना से अक्सर फॉल्स रेप केसेस तक को यूज किया जाता है। यही नहीं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या लिव इन पार्टनर्स के बीच हुए कंसेंशुअल सेक्स को भी अक्सर रेप का नाम देकर पुरुषों का शोषण किया जाता है। फीमेल पार्टनर्स की ओर से ऐसा कभी फेल्ड रिलेशनशिप्स को फोर्सफुल मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, तो कभी लड़की के परिवार द्वारा प्री मैरिटल सेक्स से एसोसिएटेड सोशल टैबू के चलते अपनी बदनामी से बचने के उद्देश्य से, जिसका मुद्दा समय समय पर कोर्ट से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में भी उठाया जाता रहा है। इसी तरह 2013 में बने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट से जुड़े भी बहुत से केसेस सामने आए हैं, जहां इन कानूनों का फायदा उठाकर फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस फाइल किए जाते हैं। ऐसे ही एक फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में बीते साल ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस में काम करने वाले अमित कुमार ने सुसाइड कर लिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट की लगातार बढ़ती फेक कंप्लेंट्स को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी। ऐसे में आप सोच कर देखिए कि यदि बुरी नीयत से ग्रसित कोई महिला किसी पुरुष के अगेंस्ट इनमें से किसी भी एक्ट के तहत केस फाइल कर दे तो प्री अजम्पशन ऑफ इनोसेंस का लीगल प्रिंसिपल अपने आप वॉइड हो जाता है, क्योंकि चाहे लॉ हो या समाज, अक्सर एक पुरुष को ही गलत नजरों से देखा जाता है। ऐसे में इन लॉज को मेन के अगेंस्ट लीगल टेररिज्म के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि भारत में लंबे समय से जेंडर न्यूट्रल लॉज फॉर्म करने की दिशा में कदम उठाने और ऐसे फेक केसेस में पुरुषों को रिक्वायर्ड हेल्प प्रोवाइड करने के लिए मेंस राइट मूवमेंट चल रहा है।
दोस्तों भारत में मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले 1990s में देखने को मिली, जब कोलकाता में पीड़ितों पुरुष या द प्रोसिक्यूटेड मैन, मुंबई में पुरुष हक का संरक्षण समिति या कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेंस राइट और लखनऊ में पत्नी अत्याचार विरोधी मोर्चा का उदय देखने को मिला। इसी कड़ी में मार्च 2005 सेव इंडिया फैमिली SIF के रूप में एक याहू ग्रुप भी फॉर्म हुआ, जिसके साल भर के अंदर 10,000 से ज्यादा मेंबर्स बन चुके थे। जल्द ही सिमिलर मोटिव रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी इस ग्रुप से जुड़ती चली गईं और मेंस राइट के मामले में SIF एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरा, जो तभी से देश में मेंस राइट के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। इन ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड है कि देश के लीगल फ्रेमवर्क को और ज्यादा जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए, जहां एक महिला और पुरुष को समान अधिकार मिल सके। उदाहरण के लिए जहां एक ओर शादीशुदा महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी से रिलेटेड हैरेसमेंट के अगेंस्ट डाउरी एक्ट या IPC सेक्शन 498A या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 मौजूद है, वहीं पुरुषों के लिए ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहां तक इन लॉज में भी ऐसा कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसके जरिए डोमेस्टिक वायलेंस के केस में वाइफ को इम्प्लीकेट किया जा सके। साथ ही मर्द को दर्द नहीं होता या ये तो अपनी बीवी से पिट गया जैसे सोशल स्टिग्मा के चलते एक हस्बैंड के लिए ये ओपनली एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं होता कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, जिसके चलते एक मैरिड मैन अपनी वाइफ के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल ही नहीं कर सकता। ये तो मीडिया रिपोर्ट इस तरह के ढेरों केसेस से भरी पड़ी है, लेकिन रूरल हरियाणा में की गई एक स्टडी भी ये फैक्ट एस्टैब्लिश करती है। यहाँ के 18 साल से ज्यादा के 52.4% मैरिड मेन ने अपनी लाइफ में जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस किया है। वहीं अगर डोमेस्टिक वायलेंस से तंग आकर यदि ये मैरिड मेन डाइवोर्स लेना चाहें तो उसके लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि यदि एक लंबी लीगल प्रोसेस के बाद उसे डिवोर्स मिल भी गया तो भी इंडियन लीगल सिस्टम चाइल्ड कस्टडी को लेकर माँ और पिता के बीच जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है, जिसमें बच्चे की कस्टडी मोस्टली उसकी माँ को ही मिलती है। यही नहीं, डिवोर्स के केस में भी एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को एलिमनी या गुजारा भत्ता देना पड़ता है। अब इस तरह के लीगल सिस्टम को कभी कभी किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका एक प्राइम एग्जांपल हमें इंटरनेशनल लेवल पर जॉनी डेप और उनकी वाइफ एम्बर हर्ट के केस में भी देखने को मिला, जहां एक समय पर जॉनी डेप को अपने हैरिसर को ही एलिमनी देनी पड़ रही थी। इसी तरह डाउरी एक्ट को भी जेंडर वुमेन के फेवर में लेस बायस बनाए जाने को लेकर मांग उठाई जाती रही है, ताकि एटलीस्ट हस्बैंड या उसकी फैमिली को कोर्ट ट्रायल्स का एक फेयर चांस मिल सके। वहीं दूसरी ओर सेव इंडिया फैमिली की ओर से NCRB का सुसाइड डेटा प्रेजेंट करते हुए ये कहा जाता है कि जहां एक ओर लगातार ये फिगर्स दर्शाते हैं कि मेन वुमेन के कंपैरिजन में ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, जिनमें खास तौर पर मैरिड मेन का प्रपोर्शन मैरिड वुमेन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है, मगर फिर भी इस दिशा में इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से एक जेंडर न्यूट्रल अप्रोच फॉलो नहीं की जाती, जिसके बारे में SIF के स्पोक्सपर्सन का ये कहना था कि जब एक मैरिड वुमेन सुसाइड करती है तो सबसे पहले उसके हस्बैंड और इन लॉज को डाउरी या हैरेसमेंट के शक में क्वेश्चन किया जाता है और अक्सर केवल इस शक के बेसिस पर उन्हें जेल तक में डाल दिया जाता है। मगर सिमिलर केस में यदि कोई हस्बैंड अपने सुसाइड नोट में अपनी वाइफ का नाम भी लिख दे तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसेस नहीं होती। इसी तरह मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पर भी सवाल उठते हैं, जहां उनका कहना है कि आज जब हर वर्कप्लेस जेंडर न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ रहा है, साथ ही सोसाइटी में LGBTQ कम्युनिटी को लेकर भी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि ये लॉ वर्कप्लेस पर केवल वुमेन को ही हैरेसमेंट से सुरक्षा प्रदान कर रहा है? क्या मेल मेंबर या थर्ड जेंडर ऑफ सोसाइटी को वर्कप्लेस पे हैरेसमेंट से सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की जा सकती? इसी तरह के ऑब्जेक्शन रेप से जुड़े क्लॉज जैसे IPC सेक्शन 375 या सेक्शन 354 के अंडर लिए गए लॉज रिलेटिंग टू द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन जैसे मुद्दों को भी लेकर उठाए जाने लगे हैं, जहां हमारा लीगल सिस्टम ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि एक पुरुष का रेप हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता है तो उसे सेक्शन 377 के अंडर अननेचुरल सेक्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिससे एक पुरुष को इंडियन लीगल सिस्टम में इसके अगेंस्ट कोई सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं की गई है। ऐसे में मेंस राइट और उनके ग्रीवेंसेस को टैकल करने के लिए लंबे समय से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरह ही एक नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाए जाने की भी बात होती रही है, जिसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक पॉजिटिव स्टेप देखने को मिला है। मगर ये सारा मसला उतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है।
दोस्तों ये बात सही है कि इस पूरे डिस्कशन के बीच पुरुषों के अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड डिस्क्रिमिनेटरी लॉस को रिविजिट करके जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी उतनी ही सही है कि हमारे देश में महिलाओं के अगेंस्ट बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यदि एक महिला हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस, स्टॉकिंग या ऐसे किसी भी प्रताड़ना से गुजर रही है तो उसके लिए अपनी आवाज उठाना या न्याय पाना आसान नहीं होता। ऐसे में महिलाओं के फेवर में झुका हमारा लीगल सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक जान पड़ता है, खासतौर पर तब जब हमारे समाज में महिलाओं को लेकर एक जेंडर स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप ऑलरेडी मौजूद है। उदाहरण के लिए मौर्य कपल का इंसिडेंट लाइमलाइट में आते ही महिलाओं की बेवफाई से जुड़े ढेरों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और मीम्स वायरल होने लगे। वहीं दूसरी ओर इस बात को भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब सोनम गुप्ता बेवफा है पंचलाइन वाले डिस्टेस्टफुल ह्यूमर को भी देश भर में हवा दी जा रही थी, जबकि मैरिजेस और रिलेशनशिप्स में पुरुषों की ओर से की गई इनफिडेलिटी भी कोई कम मेनस्ट्रीम नहीं है। हमें आए दिन ऐसे ढेरों केसेस देखने को मिलते हैं जहां हस्बैंड्स ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किए हों। ऐसे में जेंडर स्पेसिफिक टॉन्ट्स या स्टीरियोटाइप्स बनाया जाना भी उतना ही गलत है। मगर हमारी सोसाइटी में ये कितना बड़ा नॉर्म बन चुका है उसका एक एग्जांपल हमें अपनी मूवीज में ही देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यदि किसी इंडियन मूवी में इनफिडेलिटी करते हुए दिखाया जाता है तो वो मोस्टली एक कॉमेडी मूवी होती है। साजन चले ससुराल, बीवी नंबर वन, घर वाली बाहर वाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे ढेरों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो इनफिडेलिटी को मेनस्ट्रीम करके दिखाने के बाद भी सुपरहिट साबित हुई, जहां हमारे समाज ने मैरिजेस में पुरुषों के चीट करने में भी ह्यूमर ढूंढ लिया। जबकि अगर दूसरी ओर एक मूवी में महिला को इसी सेंस में इनफिडेलिटी करते हुए दिखाया जाता है तो वो मोस्टली एक मर्डर मिस्ट्री मूवी होती है। साथ ही इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आपको मुश्किल से ही ढूंढने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे समाज में रिलेशनशिप्स में महिलाओं का चीट करना एक टैबू समझा जाता है। ऐसे में हमारे समाज के बीच महिलाओं के मूवीज तक में चीट करने की एक्सेप्टेबिलिटी पुरुषों से कम है। मगर इस सब के बीच ये बात भी उतनी ही सही है कि यदि इंडियन लीगल सिस्टम और लॉस को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाता है तो इससे सोसाइटी को एक नया बैलेंस मिलेगा, जिसमें स्त्री या पुरुष के भेद के बजाय सही या गलत को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसमें केवल जेंडर के बेसिस पे किसी को सही या गलत नहीं माना जाएगा। खास तौर पे जिस तेजी से हमारे साथ हमारी सोसाइटी में थर्ड जेंडर को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है और मेनस्ट्रीम सोसाइटी से लेकर वर्कफोर्स में उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसे देखते हुए लॉस को जेंडर न्यूट्रल बनाना समय की जरूरत है। दोस्तों इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इंडियन लॉस को जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.